हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में एक इंपॉर्टेंट प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दैट टॉपिक इज नोन एज वायरॉइड। शायद आप में से हर एक स्टूडेंट ने वायरॉइड नाम जरूर सुना होगा बिकॉज वायरॉइड्स को हम इंफेक्शियस पैथोजन के कैटेगरी में रखते हैं। वायरॉइड्स आर इंफेक्शियस इन नेचर और वो भी ये इंफेक्शियस खास तौर पे किन में होते हैं? प्लांट्स में। अब क्योंकि प्लांट्स में इंफेक्शियस है तो ऑब्वियसली बात है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आइए जान लेते हैं वायरॉइड्स रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इससे होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीजेस, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द एग्जाम्स जो आप देंगे आने वाले समय पे वहां वायरॉइड्स रिलेटेड डिजीजेस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो हमने ऑलरेडी लिख लिया कि वायरॉइड्स आर इंफेक्शियस ऑन प्लांट्स। ध्यान रखेंगे कि वायरॉइड्स ऐसे इंफेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मेनली प्लांट में ही डिजीजेस रिपोर्ट किया गया है और वायरॉइड्स की डिस्कवरी सबसे पहली बार की गई थी इन द ईयर 1971 बाय अ वेरी फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम है टीओ डाइएनर। मिस्टर टीओ डाइएनर ने सबसे पहली बार वायरॉइड्स की खोज पोटैटो में की। एक्चुअली पोटैटो में एक डिजीज होता है जिसका नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर और ये जो पर्टिकुलर डिजीज है इट इज कॉज्ड बाय वायरॉइड। सो इसीलिए एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आता है कि द फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरॉइड, वायरॉइड की डिस्कवरी किसने की? टीओ डाइएनर ने इन द ईयर 1971। तो पहला डिस्कवर्ड वायरॉइड भी कौन सा हो गया? ऑब्वियसली बात है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड, बिकॉज इसी वायरॉइड की खोज की थी टीओ डाइएनर ने। साथ ही साथ एक और फैक्ट याद रखिएगा कि पीएसटीवी के बाद, इसको शॉर्ट में पीएसटीवी भी बोलते हैं, यानी वो वायरॉइड जिससे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नाम का डिजीज होता है, दैट वायरॉइड इज ऑल्सो नोन एज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा वो ये कि पीएसटीवी के बाद जो डिस्कवर्ड वायरॉइड था दैट वॉज द वायरॉइड जिससे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज पूछी भी जाती है और आता ही है एग्जाम्स में एंड इट इज सिट्रस एक्सोकॉर्टिस। क्या नाम है डिजीज का? सिट्रस एक्सोकॉर्टिस। सो द फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरॉइड डिजीज वॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज एंड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड के बाद जिस पर्टिकुलर वायरॉइड की खोज की गई दैट वाज सिट्रस एक्सोकॉर्टिस। ये तो हो गए फैक्ट्स रिलेटेड टू वायरॉइड्स। हमने पढ़ा कि जो वायरॉइड्स होते हैं दे आर इंफेक्शियस ऑन प्लांट्स। वायरॉइड्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय टीओ डाइएनर और जो पहला डिस्कवर्ड वायरॉइड था दैट वॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड। इसके बाद जिस वायरॉइड की डिस्कवरी हुई इट कॉजेज अ डिजीज इन सिट्रस जिसका नाम है सिट्रस एक्सोकॉर्टिस। ये तो बिल्कुल बेसिक से फैक्ट्स थे। अब आइए जान लेते हैं कि वायरॉइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। लास्ट ईयर जब बीएचयू का पेपर हुआ था तो बीएचयू के पेपर में assertion reason based question में वायरॉइड की इन प्रॉपर्टीज से भी questions देखा गया था। सो कमिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ वायरॉइड, ध्यान रखिएगा दैट वायरॉइड्स हैव बेसिकली सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। वायरॉइड्स में हमें बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता है एज जेनेटिक मटेरियल और ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है ये कैसा होता है? तो इट इज सर्क्यूलर इन नेचर। दिस वॉज द क्वेश्चन जो लास्ट ईयर बीएचयू में पूछा गया था। सो ध्यान रखिएगा कि वायरसेस का जेनेटिक मटीरियल इज आरएनए, वो भी कैसा आरएनए? एंड आरएनए विच इज सिंगल स्ट्रैंडेड और साथ ही साथ सर्क्यूलर ऑल्सो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि वायरॉइड्स रिलेटेड जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब नाउ कमिंग टू वायरस, एक टर्म होता है एंड द अदर टर्म इज वायरॉइड। एक है वायरस एंड द अदर इज वायरॉइड। सो अगर बात करें वायरस और वायरॉइड के बेसिक डिफरेंस के बारे में तो ध्यान रखेंगे कि जो वायरस होता है इसमें एक प्रोटीन कोट पाया जाता है, प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है जिसको हम जनरली कैप्सिड कहते हैं। लेकिन सेम प्रोटीन कोट
is absent in the case of viroids. ये viroids में absent होता है. I hope आप सभी को viroid की सारी properties memorize हो गई होंगी. इसमें RNA होता है which is single stranded and circular. And virus और viroid में one of the major differences is कि virus में protein coat होता है, लेकिन viroids में this protein coat is absent. इसके अलावा मैंने एक और point भी आप सभी को बताया कि जो viroids हैं ये बेसिकली किन पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर इंफेक्शियस होते हैं. सो दे आर इंफेक्शियस ऑन द केस ऑफ प्लांट्स. वो ये अगर आप वायरसेस की बात करोगे तो वायरसेस तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अटैक करता है, चाहे वो हम हो ह्यूमंस, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो बैक्टीरिया ही क्यों ना हो. आइए जो लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें वायरॉइड्स रिलेटेड जानना है, जो कि इन जनरल एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो है वायरॉइड से होने वाले इंपॉर्टेंट डिजीजेस. जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी जस्ट मैंने डिस्कस भी किया कि वायरॉइड से दो इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं. एक है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज एंड द अदर वाज सिट्रस में होने वाला डिजीज जिसका नाम है एक्सोकॉर्टस. इसके अलावा हमारे पास वायरॉइड से होने वाले डिजीजेस में एक नाम आता है टोमैटो बंची टॉप. आई होप आप सभी के लिए ये पर्टिकुलर डिजीज नया होगा, बिकॉज जनरली हम जो बुक्स पढ़ते हैं उसमें टोमैटो बंची टॉप इज कॉज बाय वायरॉइड ये मेंशन नहीं होता है, तो इसे जरूर नोट डाउन कर लें अपने नोट कॉपी में. साथ ही साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिजीज जो वायरॉइड से होता है, इट इज टोमैटो एपाइकल स्टंट. द नेक्स्ट डिजीज इज टोमैटो एपाइकल स्टंट. अनदर वेरी फेमस डिजीज जो कि वायरॉइड्स के कारण होता है इज क्राइसैंथेमम स्टंट. क्या नाम है? क्राइसैंथेमम स्टंट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट डिजीज है विच इज कॉज बाय वायरॉइड और इसका नाम बड़ा ही यूनिक सा है. इट इज एप्पल डैपल. क्या नाम है? एप्पल डैपल. आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि एप्पल डैपल जिस वायरॉइड से होता है उस वायरॉइड को और किस नाम से जानते हैं. आई होप आप सभी के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी. नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. थैंक यू सो मच.